मित्रता की ताकत बहुत है, लेकिन मित्रता की ताकत को समझने के लिए पहले हमें मित्रता के बारे में दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि मित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं acquaintances, जैसे आपके नेबर्स हो गए वगैरह। एक होते हैं डेवलपिंग फ्रेंड्स, जो आपके प्रोफेशनल सर्कल या दूसरे सर्कल में उभरते हुए दोस्त हों। और तीसरे होते हैं पक्के दोस्त। पक्के दोस्त जो होते हैं, वो अगर आपको फैमिली में कोई फ्रेंड मिल जाए, अगर फैमिली किसी मेंबर के साथ आपकी रियली स्ट्रॉन्ग मित्रता हो जाए, तो आपको लाइफ टाइम एक पक्का दोस्त मिल गया जो आपके तरफ हमेशा लॉयल रहेगा। और ये एक बहुत फैमिली इस तरह से बहुत ही एक अच्छा अच्छी जगह है जहाँ से हमें मित्र, पक्के मित्र मिल सकते हैं। स्कूल में उतने पक्के मित्र मेरी नज़र में नहीं बनते, क्योंकि स्कूल में आप दूसरे आदमी का कैरेक्टर उतनी अच्छी तरह नहीं पहचान पाते, ना ही आपको अपने बारे में उतनी पहचान होती है। जब आप बड़े होते हो तब आपको समझ में आता है आप किस तरह के आदमी हैं और किस तरह के मित्र आप बनाना चाहते हैं। रियल स्ट्रॉन्ग मित्रताएं मैंने जो ऑब्जर्व करी हैं वो स्कूल में लक के कारण बन जाती हैं कभी, लेकिन रियल स्ट्रॉन्ग मित्रताएं मैंने देखी हैं करीब 25 साल की उम्र के बाद फॉर्म होना शुरू होती हैं, और 30 और 40 साल की उम्र के बीच में रियल स्ट्रॉन्ग मित्र बनते हैं।